द न्यूक्स क्रोमोजोम एंड क्रोमेटिन मटेरियल। फर्स्ट द कॉन्टेंट्स द जेनेटिक मटेरियल, द क्रोमेटिन मटेरियल एंड द क्रोमोसोम्स। फर्स्ट द जेनेटिक मटीरियल स्टूडेंट्स अगर हमें कुछ बेसिक आइडिया तो ऑलरेडी है कि जो डीएनए है इट इज़ द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स चंद एक वायरसेज को छोड़कर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो डी एन ए है डी एन ए के पास ही तमाम इंफॉर्मेशन स्टोर होती हैं इससे एनिमल सेल्स के अंदर भी जो जेनेटिक मटेरियल है वो डी एन ए ही है इसी के पास तमाम तरह की इंफॉर्मेशन स्टोर हैं तो वी कैन से डी एन एज द जेनेटिक मटेरियल डी एन ए ही प्रिंसिपल जेनेटिक मटेरियल है प्रोटीन लिपिड्स कार्बोहाइड्रेट्स में से कोई भी जेनेटिक जेनेटिकल रोल नहीं प्ले करता इन द एनिमल्स अब जेनेटिक मटीरियल की अगर हम बात करते हैं डी एन ए इज़ अ वेरी लॉन्ग थ्रेड डी एन ए का बहुत बड़ा फाइबर है और इसकी डी एन ए को अगर हम गौर करें तो इसके डिफरेंट फ्रेगमेंट्स या डिफरेंट पोर्शन जो हैं वो डिफरेंट प्रोटीन्स को सेंथिसाइज़ करवाते हैं या एनजाइम्स को सेंथिसाइज़ करवाते हैं इसका मतलब यह कि अगर हमारे पास एक लॉन्ग थ्रेड है डी एन ए का तो इसका एक सेगमेंट एक प्रोटीन को सेंथिसाइज़ करवा रहा है दूसरा दूसरे प्रोटीन को तीसरा तीसरी प्रोटीन को सेंथिसाइज़ करवा रहा है तो हर सेगमेंट ऑफ डी एन ए जो किसी खास प्रोटीन को सेंथिसाइज करवा रहा है दैट इज कॉल्ड द जीन तो इस तरह से डी के स्पेसिफिक पोर्शन जो प्रोटीन को इनकोड करेंगे दे आर एक्चुअली द जीन्स हैं तो इसीलिए हम कहते हैं जो जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द डीएनए मॉलिक्यूल या सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हैं कि डीएनए जीन्स आर द पार्ट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल ए मालिक्यूल मुख्य मतलब फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल हैं वो जीन कहलाते हैं जेनेटिक मटेरियल के बाद हमारे पास क्रोबेटिन मटेरियल क्या है अच्छा डी एन एज़ इट इज़ न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है उसके रीज़न ये है कि डी एन इज़ हाईली नेगेटिवली चार्ज मालिक्यूल डी एन ए के ऊपर फॉसफेट ग्रुप की वजह से बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है तो ये एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है क्योंकि इसके नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा है और फिर न्यूक्लियस बहुत छोटा और डी एन ए बहुत बड़ा मालिक्यूल है जो न्यूक्लियस के अंदर इसको बंद कर दिया गया है अब इस काम के लिए न्यूक्लियस के अंदर डी एन ए को रखने के लिए आमतौर तो पर डी एन ए को स्टोन प्रोटीन के साथ रैप अप किया जाता है और जब ये रैप अप होंगे तो उसके बाद ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बनाएंगे ये तो डीएनए और हिस्ट्रोन प्रोटीन के जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हैं दे आर कॉल्ड द क्रोमेटिन मटेरियल जब भी हम किसी नॉन डिवाइडिंग सेल को ऑब्जर्व करते हैं तो हाई मैग्नीफिकेशन के ऊपर उसके न्यूक्लियस के अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नज़र आते हैं वो बेसिकली क्या है क्रोमेटिन फाइबर्स हैं या क्रोमेटिन मटेरियल है अच्छा नंबर ऑफ क्रोमेटिन फाइबर्स हर स्पीशीज के अंदर स्पेसिफिक है ये आमतौर पर क्रोमोसोम की तादाद के बराबर होता है असल में जब हम कहते हैं कि ह्यूमन के अंदर 46 सिक्स क्रोमोजोम्स हैं तो जब ह्यूमन का सेल डिवाइड नहीं कर रहा तो उसके अंदर क्रोमोसोम्स की है क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं क्रोमोसोम जब अनकोइल हो जाता है तो अनकोल होने के बाद वो क्रोमेटिन फाइबर बनाएगा तो इसका मतलब ह्यूमन के एक सेल के अंदर फोर्टी सिक्स फाइबर्स मौजूद होते हैं फेज द डायग्राम अगर हम इसको डायग्रामेटिकली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें ये न्यूक्लियस की डायग्राम है इसके अंदर ये जो आपको एक नेटवर्क नज़र आ रहा है ये सारे के सारे नेटवर्क बेसिकली क्या है कि जा वो जो फाइब्रिलर नेटवर्क है दिस इज बेसिकली द क्रोमेटिन नेटवर्क इसको क्रोमेटिन मटेरियल भी बोलते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क भी बोलते हैं अब ये क्रोमेटिन नेटवर्क बेसिकली अगर मैं इसको केमिकल कंपोजिशन वाइज डिफाइन करूं तो ये है डी एन ए और हिस्टोन प्रोटीन का कम्बिनेशन जो है वो अच्छा क्रोमेटिन मटेरियल जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ये बेसिकली डी एन ए के फोल्ड अप होने की वजह से अगर हम देखें डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन जब आपस में कंबाइन करती हैं हिस्टोन जैसा से हम एक बाल के ऊपर टेप चढ़ाते हैं इसी तरह से डीएनए का मालिक्यूल हिस्टोन के ऊपर क्या होता है रैप अप होता है और डीएनए जब हिस्टोन के ऊपर ये जैसे स्टोनस हैं हिस्टोन के ऊपर डी का मालिकूल इस तरह रैप अप होगा ये एक दफ़ा रैप अप होगा फिर इस तरह से तो ये बार बार जो है हाँ वो डिफरेंट हिस्टोन मालिक्यूल के साथ ये डी एन रैप अप होता चला जाता है अब डीएनए और हिस्टोन के रैप अप होने से जो स्ट्रक्चर बनता है दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियोसोम तो ये हमारे पास बेसिकली एक न्यूक्लियोसोम है तो इस तरह से बहुत सारे न्यूक्लियोसोम जब एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज हो जाते हैं तो दे फार्म क्रोमेटिन फाइबर तो न्यूक्लियोसोम के बाद जो अगला कॉइलिंग का पैटर्न बनेगा उसको हम क्या कहेंगे क्रोमेटिन फाइबर कहते हैं जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता तो जेनेटिक मटेरियल हमेशा क्रोमेटिन फाइबर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जब सेल ने डिवाइड करना है तो सेल डिवीजन स्टार्ट होने से पहले क्रोमेटिन फाइबर अपने आप को मजीद कंडेंस करेगा एंड इट विल फार्म अटेन द फार्म ऑफ क्रोमोसोम तो ये क्रोमोसोम की जो शेप हमें नज़र आती है तभी नजर आती है जब एक सेल डिवाइड कर रहा होता है नॉन डिवाइडिंग सेल के अंदर हमेशा हमें क्रोमेटिन फाइबर्स ही नजर आएंगे द क्रोमोजोम्स द क्रोमोसोम्स को अगर हम देखें तो ड्यूरिंग सेल डिवीजन द जेनेटिक मटेरियल इट कॉन्डेंस एंड अटेन अ स्पेसिफिक शेप एंड दैट स्पेसिफिक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द क्रोमोजोम तो क्रोमोजोम क्या है कि जो जेनेटिक मटेरियल या क्रोमेटन फाइबर्स हैंट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन सेल डिवीजन स्टार्ट होने से पहले वो कन्डेंस होते हैं क्योंकि क्रोमेटन फाइबर तो बिल्कुल नेटवर्क की फार्म में हैं तो सेल डिवीजन से पहले उनको एक प्रॉपर तरीके से असम्बल किया जाता है ताकि उनके ब्रेकअप ना हो जाए उनकी टूड़ तोड़ फोड़ ना हो जाए क्रोमेटन फाइबर्स की तो क्रोमेटन फाइबर जब कंडेंस करेगा तो कन्डेंस करने से क्रोमोजोम की शेप अपीयर होती है तो so, जितने नंबर ऑफ क्रोमेटिन फाइबर्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेल के अंदर एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि एक क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस होकर एक क्रोमोसोम बनाएगा तो जिससे अगर ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम्स क्रोमोजोम्स हैं इसका मतलब यह है कि जब हमारे सेल्स डिवाइड करेंगे तो 46 सिक्स क्रोमैटन फाइबर्स होंगे पहले डिवीजन से पहले और डिवीजन के टाइम के ऊपर वही फोर्टी सिक्स क्रोमैटन फाइबर्स कंडेंस करके फोर्टी सिक्स बना देते हैं इस तरह ड्रोसोफिला के अंदर जो फ्रूट फ्लाई है उसके अंदर एट क्रोमेटन फाइबर्स होते हैं एक सेल के अंदर और ये एट क्रोमैटेड फाइबर्स जब सेल ने डिवाइड करना होगा कंडेंस करके एट क्रोमोसोम्स बना देते हैं तो नंबर ऑफ क्रोमेटन फाइबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अब नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज वेरी स्पेसिफिक इन ईच स्पीशीज हर एनिमल स्पीशीज के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या है स्पेसिफिक है जैसे ह्यूमन के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं फोर्टी सिक्स हैं तो अगर फोर्टी सिक्स से कम या ज़्यादा होंगे तो ये एबनॉर्मलिटी होगी और अगर बहुत ज़्यादा डेविएट करेंगे तो फिर ये एनिमल की स्पीशीज ही एग्जिस्ट नहीं कर सकती बन सकती है इस तरह से चम्पेन्ज के अंदर फोर्टी एट क्रोमोजोम्स हैं फ्रूट फ्लाई के अंदर जिसको हम ड्रोसोफिला भी बोलते हैं ड्रोसोफिला के अंदर क्रोमोसोम का नंबर एट है इस जो पी प्लांट है जो पी प्लांट यानी कि जो मटर का पौधा है जिसके ऊपर मैंडल ने अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे उसके अंदर फोट जो वो नंबर ऑफ क्रोमोजोम फोर्टीन सो हेयर वी हैव द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम अच्छा आमतौर पर जो आप बुक्स में स्ट्रक्चर देखते हैं डायग्राम जब आप देखते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह से का स्ट्रक्चर होता है ये एक क्रोमोसोम है स्टूडेंट्स ये एक क्रोमोसोम नहीं ये डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है असल में जब सेल डिवीजन होनी होती है तो सेल डिवीजन से पहले असल क्रोमोसोम की शेप जब वो ये सिंगल फाइबर की फार्म है ये इस तरह से जिस डायग्राम में जो ऊपर आप देख रहे हैं ये क्रोमेटन ये एक पूरा क्रोमोसोम है लेकिन सेल डिवीजन के टाइम क्रोमोसोम अपने आप को डुप्लीकेट करता है चूंकि एक से दो सेल बनने हैं तो लिहाजा हर क्रोमोसोम अपने आप को डबल कर लेता है तो सेल डिवीजन के टाइम हमें जो नजर आता है वो एक डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है अगर हम क्रोमोसोम के डिफरेंट पार्ट्स को देखें तो सबसे पहले क्रोमोसोम के सेंटर में बिल्कुल जो है कंस्ट्रिक्शन मौजूद है थिन एरिया है इसको हम सेंट्रोमीयर का नाम देते हैं इसको सेंट्रोमियर भी कहते हैं और सेंट्रोमियर के अलावा इसको प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन का नाम भी दिया जाता है प्राइमरी कंस्ट्रक्शन इसी तरह से क्रोमोसोम का एक जो आम है वो स्मॉल होता है और एक आम जो है वो लॉन्ग होता है तो जो स्मॉलर पोर्शन होता है इसको हम आमतौर तो पर, पर पी आर्म कहते हैं ये पी आर्म आर्म कहते हैं बाजू को तो क्रोमोसोम के दो बाजू हैं पी आर्म एंड क्यू आर्म इस तरह से क्रोमोसोम के जो एंड्स हैं क्रोमोसोम के एंड को हम कहते हैं टीलोमियर्स तो टीलोमियर्स आर एक्चुअली द एंड्स ऑफ क्रोमोसो क्रोमोसोम्स के एंड्स होंगे अब क्रोमोसोम की शेप डिफरेंट हो सकती है अपने एफ एस सी में पड़ा हुआ है अगर ये सेंट्रोमियर अगर ये पी और केव आर्म दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं तो ऐसे यानी कि एक सेंट्रोमियर बिल्कुल सेंटर में है तो इसको हम क्या कहेंगे इट इज़ द मेटासेंट्रिक अगर एक जो आर्म है वो स्मॉलर है दूसरा लार्जर है ये लॉन्ग जैसा आपको डायग्राम नजर आता है तो इसको हम कहते हैं सब मेटासेंट्रिक इस तरह से अगर बिल्कुल जो एक आम है बहुत छोटा है तो फिर हम इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं एक्रोसेंट्रिक एक्रो का कहते हैं बिल्कुल छोटा सा तो स्मॉल आम अगर है यानी आप यूँ कह सकते हैं कि अगर इसकी शेप जो है कुछ इस तरह से है एक आम बिल्कुल छोटा है तो उसका हम क्या कहेंगे इट इज़ इस एकोसेंट्रिक क्रोमोसोम और अगर एक आम है ही नहीं तो फिर इसके लिए हम टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम का वर्ड यूज़ करते हैं